हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल गेटवे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो मैंने इसलिए बनाई कि पीएमडीसी की जानिब से एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो है वो मतलब एक अपडेट जो है वो शेयर की गई है अपनी वेबसाइट पर। अच्छा, और अपडेट जो है वो वन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन की और फिर जो है मतलब उनको डिफ़िकल्टी सामने आई, उन पर जो डेट थी, टाइम थी, वो ख़त्म हो गई सही है फ़ी सबमिट होने में, तो उनके लिए भी जो है एक बिग न्यूज़ है सही है। वो तो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, तो आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, आपने वीडियो जो है वो फुल वॉच करनी है सही है। तो वहाँ पर जो है वो जाने से पहले, अच्छा, तो वहाँ पर जाने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो स्टूडेंट्स जो है वो रजिस्ट्रेशन से रह गए हैं तो पीएमडीसी ने उनके लिए डेट जो है वो एक्सटेंड की है सही है। 7 अगस्त तक जो है वो स्टूडेंट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनकी जो रजिस्ट्रेशन फ़ी होगी तो वो जो है वो उससे ज़्यादा होगी। तो अगर हम यहाँ पर आ जाए और रजिस्ट्रेशन वाले पोर्टल पर सही है, और नीचे जो है वो साइनअप पर क्लिक करें, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के लिए आपने सबसे पहले तो साइनअप करना है। तो यहाँ पर लिखा है कि लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर टिकट 2023 विद द लेट फी इज़ 7 अगस्त 2023 सही है। अगर आपने 31 जुलाई तक अप्लाई नहीं की है और इसके बाद जो है आप 1 अगस्त से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको लेट फी जो है उसके साथ आपने अप्लाई करनी होगी सही है। तो अगर हम यहाँ पर देखें सही है, अगर हम यहाँ पर क्लिक करें साइनअप पर, तो वही जो मतलब रजिस्ट्रेशन वाली तो वो पेज जो है वो हमारे सामने जो है वो ओपन होता है सही है। तो आपने यहाँ पर जो है अपने सबसे पहले अपने अकाउंट क्रिएट करना है और फिर जो है वो प्रोफाइल पर ले जाना है। लेकिन अगर आपने 31 जुलाई तक अप्लाई की है लेकिन आपकी पेमेंट की जो डेट है सही है वो गई है, आपने पेमेंट नहीं की है, चालान जनरेट नहीं हो रहा या किसी भी वजह से सही है, तो यहाँ पर जो है वो पीएमडीसी की तरफ से नोटिफिकेशन जो है वो जारी है कि जिन स्टूडेंट्स ने 31 जुलाई तक अप्लाई की है लेकिन उनकी फ़ी जो है वो सबमिट नहीं हुई है तो वो विदाउट एनी लेट फ़ी 7 अगस्त तक जो है वो नॉर्मल 6 के जो फ़ी है सही है उसके साथ जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो पीएमडीसी के नोटिफिकेशन के मुताबिक जिन स्टूडेंट्स के बैंक चालान प्रोसेसिंग में डिले हो गई थी, ताखिर हो गई थी, तो अगर उन स्टूडेंट्स के पास ऑलरेडी प्रिंटेड चालान है सही है 31 अगस्त या इससे मतलब पहले वाली सही है जुलाई के महीने में, तो वो जो है नॉर्मल फ़ी के साथ फ़ी सबमिट करवा सकते हैं 6000 सही और अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर इसके बाद है तो फिर वो लेट फ़ी के साथ अप्लाई करेंगे। तो ये थी पीएमडीसी की जानिब से न्यूज़, तो उम्मीद है आप इसको समझ चुके होंगे। इसके अलावा अगर आप इंडिकेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं कि किस तरह, तो मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा सही है। इसके अलावा अगर आप केम्यूकेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं के पी के स्टूडेंट्स के लिए खासकर, तो भी मैं लिंक दे दूँगा सही उसकी रजिस्ट्रेशन वगैरह के लिए। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर नोटिफिकेशन जो है वो इंडिकेट के हवाले से मिल सके। अल्लाह हाफिज़।